नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक, राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर आप लोगों का स्वागत है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री कार्यालय से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी राधा रतूड़ी की विदाई हो चुकी है। राधा रतूड़ी को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार मिला है। कोरोना काल के चलते इस बार केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड CBSE की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के रद्द कर दिया गया था। बोर्ड की ओर से 10वीं और 12वीं के बच्चों का परिणाम बेल डिफाइंड मापदंडों के अनुसार समयबद्ध तरीके से बनाया जा रहा है। ऐसे में 31 जुलाई से पहले CBSE की ओर से बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सत्र 2020-2021 की वार्षिक परीक्षाएं OMR सीट के माध्यम से कराएगा। यह निर्णय बुधवार को विवि की परीक्षा समिति बैठक में लिया गया। वार्षिक परीक्षा में 61,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये परीक्षा केवल अंतिम सेमेस्टर एवं अंतिम वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए होगी। बाकी विद्यार्थियों को सत्रीय कार्य के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। परमार्थ निकेतन में ऋषिकेश शहर के विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने हरेला पर्व मनाया। स्वामी चिदानंद सरस्वती, राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक GK सिंह ने पौधारोपण का संदेश दिया। साथ ही उन्होंने 5-5 फलदार पौधे सभी को भेंट किए। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी नौकरी की आस लगाए लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत दी है। CM पुष्कर सिंह धामी की दूसरी कैबिनेट बैठक में लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके युवाओं को 1 वर्ष की छूट के प्रस्ताव पर मोहर लगाई गई है। वीडियो आपको अच्छा लगे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। धन्यवाद।